हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है 30 जनवरी और हमने कल बताया था कल के ब्लॉग में कि आज मेरा प्रदोष का उद्यापन है, प्रदोष व्रत का। तो कल उसके पहले एक दिन गणेश जी की पूजा होती है, वो हमने कल प्रॉपर अपना वीडियो एक डाला है, तो वो आप लोग जाके देखिए, इंजॉय करिए। और आज प्रदोष है, अभी व्रत है, अभी तक हम पानी भी नहीं पिए, बज रहे हैं 11। फिर हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जैसे उसमें बताया उद्यापन विधि वैसे वैसे ही हम कर रहे हैं। तो उसमें बताया है खीर से हवन करने का। तो हम ये देखिए खीर बना लिए हैं, हम बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो हमने ये खीर बना लिया है और इधर ये आटा सान लिए हैं, पूड़ी छानने जा रहे हैं। और ये बन गई है मेरी सब्जी, इसमें अभी धनिया पत्ती डालना है ऊपर से। तो हम ये सब खाना क्यों बना रहे हैं ये भी बता रहे हैं। उसमें है कि ब्राह्मण को खाना खिलाना है, दान देना है, गरीबों को खिलाना है। तो हम पूरी सब्जी मिठाई वगैरह और ये खीर का तो हवन करेंगे। पूरी सब्जी मिठाई ये हम ब्राह्मण को खिलाएंगे, जो भी आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5 जितने भी आ गए उनको खिलाएंगे। फिर जाएंगे चौकिया माता मंदिर दर्शन करने, वहाँ पे ये पूरी सब्जी और मिठाई करके डिब्बे में पैक करके गरीबों को बांटेंगे, गरीबों को खिलाएंगे। तो हम पहले सब्जी मेरी बन गई, खीर बन गई है। जब तक रियांश के पापा मंडप बनाने चलिए, वो भी दिखाते हैं आप लोग को। मंडप बना के पूजा करनी है। तो हम इधर मेरा लाल हो गया घी, पूड़ी बेल रहे थे तब से, उधर का भी दिखा दे, वो भी मेहनत कर रहे हैं बहुत कल से। तो ये हम लोग बांटेंगे गरीबों को डिब्बे में पैक करके। चलिए चलते हैं वहाँ पे। हम पीछे से दिखा रहे हैं, आगे से दिख नहीं रहा है। ये देखिए पान से ये मंडप बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही पूजा के पास मंडप बनेगा, फिर मंडप बन जाएगा, फिर हम लोग हवन वन कर पूजा वूजा करके फिर हवन करेंगे, फिर जाएंगे चौकिया माता मंदिर वहाँ गरीबों को खाना खिलाने। तो चलिए ये तैयार हो जाने देते हैं मंडप, डिस्टर्ब ना करते हुए आगे का काम करते हैं। फिर आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ढेरों प्यार दीजिए। अपना बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है पान से। तो हम पहले पूड़ी छान लेते हैं अपनी, घी भी मेरी लाल हो गई है, धीरे धीरे करना है, डिब्बे में भरना है सारे, तो समय लगेगा। इसलिए हम कहें कि पहले पूड़ी उड़ी छान लें, मेरा खाना तैयार रहेगा। तो हवन वन करके हम लोग, फिर अभी हम तैयार भी नहीं हुए, अभी सब नहा के हैं, साड़ी वाड़ी बाद में पहनेंगे जब पूजा करेंगे। पहले हम काम खत्म कर लेते हैं, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। ओके, बाय बाय। देखिए लगभग हम लोग की आधी से ज़्यादा पूड़ी बन गई है, थोड़ा सा रख दिए हैं। अभी जब आएंगे पंडित जी खाने तब गरम गरम बनाएंगे ना मम्मी। और अब लगभग आधी से ज़्यादा बन गया है। पहले ये डिब्बा आप चले पैक, इसको बना लें, ये मिठाई वाला डिब्बा। और रबर ले आए हैं, इसको बनाना है। ये है डिब्बा, इसको बनाना है। और ये पॉलिथीन सब्जी के लिए रबर ले आए हैं लगाने के डिब्बे में। चलिए चलते हैं उधर क्या हो रहा है। देखिए इधर मेहनत जोरों शोरों से चल रही है, गलत दिख नहीं रहा है। साधक जनों की साधना शिव है, भक्त जनों की आराधना शिव है, कलाकार की कलाकार। बहुत ही सुंदर लग रहा है, अब बन जाएगा तो और भी सुंदर लगेगा। ध्यान देखिए भाग क्या आ रहे, उनका मन नहीं लग रहा है भाई, सुंदर के भाग क्या आ रहा है, क्या बुला रहा है पापा, क्या पापा को कह
आ गए, इनका मन नहीं लगा, आ जाओ आ जाइए आ जाइए। रेयान भी भाग के आ गए हैं, चलिए हम लोग अपना काम खत्म करते हैं पहले जल्दी जल्दी। Thank you.
एक बुढ़िया थी रविवार के दिन वह हमेशा अपने घर को गाय के गोबर से देखिए मेरी पूजा हो गई है भोले बाबा की। अब हम लोग जा रहे हैं हवन करने। मंडप भी बहुत ही अच्छा बना है। अब पापा हवन की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग हवन करेंगे। खीर से हवन होगा, हम बता चुके हैं पहले वीडियो में आप लोग को। रियांश नहीं, अभी पूजाएं करना है ना बेटा। जाए, जाए। चलो नीचे बैठो। चलो बैठ। चीटा काटेगा, चीटा काट लेगा। रियांस नहीं बेटा। और भी? ये चौकी रहेंगी? चौकी कैसे खाली नहीं है, बस कपड़ा हटाना है। उसको उसी में लपेट के। हाँ पकड़ लेगा, बहुत सूखी लग रही है। देखिए, सोना बैठिए बेटा, सोना बैठो। आ जाओ मामा पास, आ जाओ आ जाओ। चलो हवन करने, हवन करने जय करने। चलो हवन करने, चलो चलो भैया, आ जा आ जा। आज आ जाओ, चलो आइए। इसको तो देखिए क्या चल है, क्यों शर्मा रहे? नीचे तक करेंगे तो पकड़ लेगा ना अच्छे से। वो हो किया पे मूर्ति चित्र में राजगिरी चंदन होगी अच्छा दुर्गा जी निकलो होगी माला श्वेत पुष्प तांबूल सुपारी मूर्ति मकरा शिवा पत्र मीठा शिव मंदिर में सब नहीं बजाया जाता। आरती है उसी में, शिव जी की आरती पीछे है। राजे पंचानन राजे सानन राजन संसानन गणु ओंकार। बाबू इसी में खा लेंगे। अच्छा भैया जी, खुश रहो, अरे खूब बढ़िया रहो। हम लोग का पूजन हवन सब अच्छे से हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं, जो लड़का है मेरा, खाना जो बनाए थे गरीबों को बांटने। पंडित जी थोड़ा लेट कर रहे हैं, उनका खाना रखा हुआ है, वो जब आएंगे तब खा लेंगे। अब ये हम लोग सब्जी और पूड़ी पैक कर करके ले जा रहे हैं चौकिया माता मंदिर, वहाँ गरीबों को बांटेंगे। और सब्जी रख देना, दो पलचू रखो।
ले जा रहे हैं, ऐसे बांधेंगे तो गिरेगा नहीं। और डिब्बे में पूरी रखेंगे, अभी पहले सब्जी पैक कर ले रहे हैं और देख रहे चेक कर लिया जाए। डिब्बा ले आ रहे हैं, एक एक करके लाओ। रख इस डिब्बे में पूरी और मिठाई रहेगा, मिठाई पूजा कमरे में है। इतना भर ले फिर ले आते कमरे में, डिब्बा सब रखा मिठाई है, लेते है? मिठाई लेके आ रहे प्रियांश। ओ भैया ओ भैया ओ भैया 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 रख के तो कोई भूल चूक हो तो भोले बाबा माफ करेंगे, कोशिश की। अरे अभी मत बंद करो, पहले चार पूड़ी अपनी कृपा बनाए रखें सबके। सब्जी 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 इसी में करना है ना। साइड में बंद करो, शादी हो गई है। कोई बात नहीं, रबर बैंड है ना। हाँ। सही तो है, रबर बैंड लगाओ ऐसे करके। ये कैसे लगाओगे इधर से इधर? देखो ऐसे लग रहा है। चलो बाकी थोड़ा कम ही कर लेंगे। लीजिए ऐसे करके हम लोग सब डिब्बा तैयार कर ले रहे हैं, उसके बाद लेके जाएंगे। अब शाम को मतलब जाते जाते एक डेढ़ घंटा तो लगेगा ही, तो मंदिर खुल जाएगी, दो बजे बंद हो जाती है ना। और बाहर गरीब लोग बैठे रहेंगे, उन्हीं लोग को देना है। ठीक, ऐसे पैक कर देंगे फर्स्ट क्लास। चलिए अब हम लोग पैक कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग। सब तैयारी हम लोग की हो गई है, ये पैकेट पूरा तैयार हो गया है, इसमें सब रख दिए हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं चौकी माता के लिए, भैया का बॉटल वो रखे हैं ले जाने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। शॉल ले रहे हम ना रियांश, शॉल ले 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 रुक जाइए, हम शॉल ले रहे। हमारा गुड्डा भी तैयार है और गुड्डा के पापा जी भी तैयार है। चलो चलो देर मत करो। मम्मा कह रहा है मम्मा शॉल ले ले हम। तो आगे बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं। आप भी अपने हाथ से दीजिए, आइए गुरुदेव मुँह में लीजिए। हाँ डिब्बा दे दीजिए उनके हाथ में। ऐसा गुस्सा उसे मत देखिए, आशीर्वाद देना, पैर छुओ पैर छुओ। नहीं नहीं ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, एकदम छुइए, ब्राह्मण है गुरुदेव। आप यहाँ पे आप देवर नहीं, आप ब्राह्मण हैं। लीजिए हम छू लेंगे, हम छू लेंगे। हाँ ये चालू ही नहीं किए थे आप, बंद करके दिए थे हमको, फिर से छू लीजिए। चलिए तब दर्शन कर, इसको रख दो वहीं पे अभी। नहीं 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 आंचल प्रसाद दीदी नोक बनवा रहे कहीं से। हाँ क्या नाम बना रहा है रियांश? कुछ कार्यक्रम इधर चल रहा है क्या गुरुदेव? ये टूटने का टाइल्स बदलेगा दादी की चाहत ज्यादा है। चलिए चलो चलो तुम चलो चला आवा दी दादी, अब तो घबरा जी हम लोग कहाँ जाए।
रह देता है चंपा भी, चंपा पुष्पा रेखा सीमा माधुरी सब मांगा देखा, मांगे मांग के जे दे तो बेकार वाली क्वालिटी लग जाते आप बैठ ना, आपको दे दिया गया सही दे देता ना कितना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? कल मेरा उद्यापन सब अच्छे से हो गया है और आज थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है। कल दिन भर का व्रत कुछ खाए नहीं थे तो उससे सर भारी हो गया और तो तबीयत डाउन हो गई है। और आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, अच्छे से देखिए। मेरा गुड्डा को भी थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गई है तो बाइक से घूम घूम के हमने सब आप लोग को दूसरे मीटिंग में गए थे ना तो ज़्यादा लोग मिले नहीं, तो बाइक से घूम घूम के हम लोग सब जगह गाड़ी से बैठ के घूम घूम के सबको बांटे हैं। तो और मंडप कैसा बना था रियांश के पापा बनाए थे वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए वीडियो को एंजॉय करिए, एंड नहीं हुआ था तो हमने सोचा एंड थोड़ा कर दे, थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है, हवा लग गया है। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, वीडियो अच्छे से देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।